हेलो माय डियर किड्स इन दिस वीडियो ऑफ आई एम ओ फॉर क्लास टू आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर वन दैट इज नंबर सेंस स्टार्ट करते हैं विथ मैथमेटिकल रीजनिंग तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट नाइन इन नाइन हंड्रेड सेवेंटी फाइव इज हमें प्लेस वैल्यू बतानी है किसकी नाइन में नाइन की तो हम कैसे लिखेंगे नंबर नाइन सेवन फाइव ठीक है नाउ ये वंस की प्लेस है ये 10s की प्लेस है ये हंड्रेड की प्लेस है है ना तो नाइन के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू नाइन नाइन के नीचे नाइन लिखा इसके कितनी है इसके बाद कितने डिजिट्स हैं सेवन तो उसको क्या लिखेंगे जीरो फाइव तो उसको क्या लिखेंगे जीरो मीन्स प्लेस वैल्यू क्या होगी नाइन हंड्रेड बी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स शोज वन ऑफ द नंबर ऑन द सेल फोन अब हमारे पास जो सेल फोन है यहाँ पर बताना है कि ये जो फोर ऑप्शन हैं ये ए बी सी डी ये हमारे पास फोर ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑप्शन नंबर यहाँ पर अवेलेबल है सेल फोन पर तो हम सभी को कन्वर्ट कर लेते हैं नंबर्स में तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो हंड्रेड है ना क्या लिखा है थ्री हंड्रेड थर्टी फोर मीन्स क्या हो जाएगा हंड्रेड की प्लेस पे क्या आएगा थ्री थ्री हंड्रेड थर्टी फोर चेक करो इज इट अवेलेबल ऑन सेल फोन नहीं ये सेलफोन पर नहीं है तो ये तो रॉन्ग हो गया नाउ फोर हंड्रेड फोर्टी एट तो ये क्या हो जाएगा फोर हंड्रेड फोर्टी एट मीन्स फोर एट चेक करो दिस इज ऑल्सो नॉट अवेलेबल ये भी यहां पर नहीं है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाव अब हम नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं ये क्या लिखा है फाइव हंड्रेड ट्वेल्व फाइव वन टू ट्वेल्व फाइव हंड्रेड ट्वेल्व तो ये भी अवेलेबल नहीं है तो दिस इज रॉन्ग तो ऑब्वियसली लास्ट वाला सही होगा क्योंकि कोई और अवेलेबल नहीं है अब चेक भी कर लेते हैं यहाँ क्या है सिक्स हंड्रेड नाइन सिक्स हंड्रेड नाइन मीन्स हंड्रेड टेंस और वंस हंड्रेड की प्लेस पे तो सिक्स आ गया टेन के लिए कुछ है ही नहीं तो यहाँ जीरो और नाइन है मीन्स दिस एंड सेल फोन पर अवेलेबल है यू कैन सी य तो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस हाउ मेनी नंबर्स आर देयर ऑन द ट्री Which इज़ मोर देन फोर हंड्रेड बट लेस देन फाइव हंड्रेड हमें क्या बताना है इस ट्री पर कितने नंबर ऐसे हैं जो फोर हंड्रेड से तो ज़्यादा हो एंड फाइव हंड्रेड से कम हो ठीक है फाइव हंड्रेड से कम हो मीन्स कि उनकी रेंज क्या होगी चार सौ से फोर हंड्रेड से ऊपर एंड फाइव हंड्रेड के अंडर तो काउंट करते हैं सबसे पहला दिस इज फोर सेवेंटी फाइव एक तो ये नंबर मिला नाउ अब हम दूसरा देखते हैं फोर थर्टी एट फोर थर्टी एट ठीक है नौ फोर नाइन नाइन ठीक है और फोर फिफ्टी ठीक है नौ यहाँ पर क्या ऑप्शन है फाइव हंड्रेड है फाइव हंड्रेड तो एक्जैक्टली हो गया यहाँ पे हमें लेस देन फाइव हंड्रेड बताना था तो लेस देन फाइव हंड्रेड की चार हैं, तो काउंट करो वन टू थ्री फोर फोर नंबर मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शोज सिक्स थ्री फोर सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर अब हमें बताना है ये जो हमारे पास चार ऑप्शन हैं कौन से सिक्स हंड्रेड थर्टी फोर को शो करते हैं तो सबसे पहले क्या है ये जो बीट है लिखा है ना एच को शो करती है हंड्रेड तो को ये टेंस को और ये वन को शो करती है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिक्स किस पे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पे सब काउंट करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ वन टू थ्री फोर फाइव मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं है यहाँ पे फोर मीन्स कि दिस इज़ ऑल्सो नो यहाँ वन टू टू ही है मीन्स कि ये भी गलत है तो नाउ अब बचता क्या है हमारे पास एक ही बचता है ऑप्शन डी तो यही हमारा करेक्ट होगा अब चेक भी कर लेते हैं वेरीफाई कर लेते हैं ये देखो हमें क्या चाहिए था वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हंड्रेड की प्लेस पे क्या आ गया सिक्स वन टू थ्री टेंस की प्लेस पे क्या आ गया थ्री वन टू थ्री फोर फोर ठीक है ना सिक्स थ्री फोर डी इज द राइट ऑप्शन विच एमेंस द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट इवन नंबर अब इवेंट नंबर क्या होता है जिसमें टू के टेबल वाले टर्म्स हैं लास्ट में ठीक है इवेंट नंबर मीन्स कि जिसकी लास्ट के डिजिट या तो जीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स हो या एट हो ठीक है तो देखो यहाँ तो फाइव है तो दिस इज रॉन्ग अब अब ये बाकी जो तीन है ये तीनों ही इवन है जीरो 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 ठीक है तीनों ही अब पूछा क्या है स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर क्या होगा ठीक है तो वन बाई वन हम कंपेयर करेंगे इसकी हंड्रेड की प्लेस पे क्या है टू यहाँ पर क्या है फाइव और यहाँ पर क्या है जीरो ठीक है हंड्रेड प्लेस पे क्या है टू फाइव जीरो अब ये जो चार डिजिट्स होती हैं टू फाइव जीरो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या होता है जीरो बट जीरो को हम काउंट नहीं करते तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा वो हमारा जीरो ना हो के कोई नंबर होना चाहिए ठीक है तो नाउ अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे बी और सी तो अब इसमें से हम किसको लेंगे ऑब्वियसली टू जो है वो फाइव से स्मॉलेस्ट है जो टू है वो फाइव से स्मॉलर है दैट्स वाई बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है सबसे पहले क्या करना है हमें लास्ट डिजिट चेक करनी है वो जीरो टू फोर सिक्स एट में से होनी चाहिए तो नंबर इवन हो गया फिर अगर पहली डिजिट जीरो है तो वो नंबर नहीं काउंट होगा फिर हमारे पास टू डिजिट्स हैं टू नंबर्स बच्चे टू एंड फाइव थे तो टू छोटा था तो टू इज द टू वाला जो कॉम्बिनेशन है टू फाइव जीरो दैट इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द सेकेंड लार्जेस्ट इन द ग्रुप अब हमें बताना है ये जो नंबर्स लिखे हैं इसमें से सेकेंड लार्जेस्ट मीन्स की पहला बड़ा और उसके बाद वाला ठीक है तो हम इनको क्या करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं ठीक है तो नाउ जब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारे जो नंबर्स होते हैं उनकी सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे फर्स्ट डिजिट यहाँ पर क्या है फाइव है यहाँ क्या है सिक्स है यहाँ सेवन है यहाँ एट है यहाँ वन है अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है एट है तो सबसे पहले एट वाला नंबर आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे नाव ये हमारा हो गया ठीक है तो इसको हम नहीं देखेंगे अब है ना ये तो यूज़ कर लिया अब फाइव सिक्स सेवन वन में से बड़ा क्या है सेवन तो अब सेवन वाला नंबर क्या है सेवन नाइन फाइव ठीक है तो हमें क्या बताना था सेकेंड लार्जेस्ट नंबर तो सेवन नाइन्टी फाइव ये फर्स्ट हो गया ये सेकेंड हो गया तो सी इज द राइट ऑप्शन हमें बाकियों की जरूरत नहीं है लिखने की बट इफ यू वॉन्ट टू राइट तो लिख सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है ना थर्ड फोर्थ भी तो मैं कंप्लीट कर देती हूँ अब ये भी हमारा यूज हो गया इसके बाद क्या आएगा सिक्स तो सिक्स का नंबर क्या है सिक्स हंड्रेड ठीक है ये यूज हो गया इसके बाद क्या आएगा फाइव वाला मीन्स फाइव नाइनटी फाइव एंड लास्ट होगा 123 ठीक है तो इस तरीके से सारे लिख दिया अगर आपसे कोई भी पूछता है कि थर्ड लार्जेस्ट क्या है फोर्थ लार्जेस्ट क्या है या फर्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है तो ऐसे ही होगा ठीक है सबसे पहले क्या लिखना है फर्स्ट डिजिट को चेक करना है कि किसकी डिजिट सबसे बड़ी है फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द गिवेन कलेक्शन ऑफ नंबर्स ठीक है अब ये हमारा कलेक्शन ऑफ नंबर है तो हमें बताना है कि चार ऑप्शन है कौन सा ऐसा नंबर है जो यहां अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा इन्हें नंबर्स में कन्वर्ट करना होगा तो चलो करते हैं यहां पे हंड्रेड है यहां हंड्रेड हो गया टेन्स हो गया वन हो गया ठीक है फोर हंड्रेड मीनस हंड्रेड के नीचे क्या फोर फोर हंड्रेड थर्टी वन थ्री वन ठीक है नाउ चेक दिस इज अवेलेबल ठीक है फाइव हंड्रेड थर्टी फोर तो फाइव हंड्रेड की प्लेस पे फाइव देन थ्री एंड देन फोर दिस इज़ नॉट अवेलेबल तो दिस इज द राइट ऑपन मीन्स की बी जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है ठीक है रिमेनिंग को भी चेक कर लेते हैं हमें आंसर तो मिल गया फोर हंड्रेड थर्टी सिक्स तो फोर थ्री सिक्स दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ना इस केस में फोर हंड्रेड थर्टी टू मीन्स फोर थर्टी टू दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ठीक है तो हमें बताना है सेवेंटी टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल देन लेस देन और कांड से सेवन हंड्रेड के ठीक है तो सेवेंटी टेंस को क्या लिखते हैं सेवेंटी टेंस इज इक्वल टू क्या होता है सेवेंटी के आगे एक और जीरो बढ़ा दो टेंस मतलब एक जीरो और हंड्रेड का मीन्स क्या होगा सेवन हंड्रेड हंड्रेड है मीनस कितने जीरो दो जीरो याद रखना है टेन होता है तो वन जीरो हंड्रेड है तो टू जीरो तो सेवनटी टेंस था तो सेवेंटी के आगे हमने एक जीरो बढ़ाया सेवन हंड्रेड था तो सेवन के आगे दो जीरो बढ़ाया नाउ यू कैन सी दोनों ही नंबर सेम है तो ये कहाँ आएगा इक्वल टू मीन्स सी इज़ द राइट ऑप्शन क्वेश्चन इज वेन रिटर्न इन वर्ड्स एट जीरो नाइन इज सेम एज मीन्स कि हमें बताना है एट हंड्रेड नाइन का नंबर नेम क्या होगा ठीक है एट हंड्रेड नाइन है तो देखो ये एटी नाइन रॉन्ग हो जाएगा दिस इज़ रॉन्ग एट हंड्रेड नाइन्टी दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि नाइन्टी बोल रहा है जबकि हमारे पास क्या है नाइन तो दिस इज द राइट ऑप्शन एट हंड्रेड एंड नाइन ठीक है तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज हमें क्या बताना है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर तो नाउ अगेन सबसे पहले तो आप क्या करोगे कि जिस न, जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो रहा है ये हमारा तो नहीं होगा ठीक है नाउ वी हैव थ्री ठीक है अब हमें स्मॉलेस्ट देखना है तो हंड्रेड वाली प्लेस पे जिस नंबर के सबसे मिनिमम नंबर हो सबसे छोटी वैल्यू हो तो ये वन है और ये वन है तो ये तो बड़ा नंबर हो गया तो ये लाइन से बाहर है नाउ अब हमारे पास दो नंबर हैं वन जीरो जीरो वन नाइन नाइन ठीक है हंड्रेड प्लेस पे दोनों के ही वन है अब टेन प्लेस पे देखना है अब टेन प्लेस पे जब हमने देखा यहां जीरो है यहां नाइन है जीरो नाइन से छोटा होता है तो ऑब्वियसली दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस ठीक है सबसे पहले हमें हंड्रेड प्लेस चेक करनी है फिर टेंस चेक करनी है फिर वंस चेक करनी है विच रैबिट हैज द लीस्ट नंबर लीस्ट नंबर मीन्स की किस रैबिट के पास सबसे छोटा नंबर है ठीक है तो ना अगेन इसको थोड़ा जूम करते हैं अब चेक करो यहाँ पर सबसे हंड्रेड प्लेस पे कौन सा रैबिट है जिसके लीस्ट वैल्यू है यहाँ पर क्या है फोर यहाँ क्या है नाइन यहां क्या है नाइन यहाँ क्या है नाइन फर्स्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट मीन्स हंड्रेड प्लेस सबसे पहले हमने पहली डिजिट लिख दी अब इन सब में सबसे छोटा क्या है ये तीनों तो नाइन ही है और ये फोर है और नाइन बड़ा होता है फोर छोटा होता है तो ऑब्वियसली ए इज़ द राइट ऑप्शन ये जो रैबिट है इसके पास सबसे छोटा नंबर है लीस्ट डिज इट लीस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेस देन फिफ्टी टेंस अब हमें बताना है फिफ्टी टेंस से छोटा क्या है तो सबसे पहले तो हमें फिफ्टी टेंस लिखने आना चाहिए अभी मैंने बताया था टेंस मतलब एक जीरो बढ़ा देना फिफ्टी लिखा और उसके आगे एक जीरो बढ़ा दिया तो ये क्या हो गया फिफ्टी टेंस अब इससे छोटा बताना है तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये फाइव हंड्रेड है एग्जैक्टली सेम ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 600 है, ये है है तो क्या होगा बी बिकॉज फाइव की प्लेस पे क्या है फोर है और वो फाइव हंड्रेड से छोटा नंबर है तो बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस द गिवन एप्पल बिलोंग्स टू विच बास्केट अब हमें बताना है जो ये एप्पल है ये किस बास्केट में आएगा अब आप केयरफुली ऑब्जर्व करो बास्केट्स में क्या है इनके नंबर नेम लिखे हैं तो सबसे पहले इसका नंबर नेम लिख लो या देखो कि इसका जो नंबर नेम है वो किस बास्केट में है जिस बास्केट पे नंबर नेम होगा वही बास्केट इसकी होगी तो चेक करते हैं ये क्या है नाइन फाइव फोर हंड्रेड टेंस वंस मीन्स नाइन हंड्रेड फिफ्टी फोर तो चेक करते हैं यहाँ तो फाइव हंड्रेड है तो दिस इज रॉन्ग नाइन हंड्रेड फिफ्टी फोर मीन्स ए इज द राइट ऑप्शन यहाँ क्या लिखा है नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी फाइव तो दिस इज रॉन्ग नाइन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ए इज द राइट ऑप्शन लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज सबसे बड़ा तीन डिजिट का नंबर यहाँ पर तो अगेन सबकी पहले फर्स्ट डिजिट को हम चेक करेंगे ठीक है पहली नाइन यहाँ वन यहाँ नाइन यहाँ नाइन तो ये तो सबसे छोटा नंबर है ये चला गया ठीक अब हम सबकी सेकेंड डिजिट को चेक करेंगे यहाँ नाइन यहाँ जीरो यहाँ नाइन तो ऑब्वियसली ये भी चला गया क्योंकि ये तो जीरो है अब हम सबकी अब जो दो नंबर्स बचे ए एंड बी डी वाले इसकी हम वंस वाली डिजिट को चेक करेंगे यहाँ नाइन है यहाँ जीरो है तो ऑब्वियसली नाइन जो होता है वो जीरो से बड़ा होता है तो ए इज द राइट ऑप्शन फाइव हंड्रेड एंड फिफ्टीन वंस इज सेम एज हमें बेसिकली क्या बताना है इस नंबर नेम का नंबर तो पहले हंड्रेड टेंस वंस ठीक है अब क्या है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड फिफ्टीन मीन वन फाइव विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस द इन करेक्ट मैच हमें क्या ढूंढना है जो इन करेक्ट है यहाँ क्या लिखा है नाइन हंड्रेड एंड टू तो दिस इज करेक्ट हंड्रेड की प्लेस पे नाइन है और वन की प्लेस पे टू है फाइव हंड्रेड एंड सिक्स तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट फाइव हंड्रेड की प्लेस पे है एंड सिक्स है टू हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि हंड्रेड के प्लेस पे टू है टू हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स की क्या होना चाहिए था ये टू नाइन सिक्स बट यहाँ क्या लिखा है राइट ऑप्शन फॉर दिस हमें गलत वाला ढूंढना था विच बियर शोज द लार्जेस्ट वैल्यू अब हमें बताना है ये जो चार बियर्स हैं इन पर इनका वेट लिखा है सपोज या नंबर लिखा है अब उसको बताना है कि कौन सा सबसे लार्जेस्ट मीन्स की सबसे बड़ा है ठीक है ये क्या लिखा है एटीन टें एटीन टेंस मीन्स एटीन के आगे एक जीरो ये क्या लिखा है फिफ्टीन टेंस मींस फिफ्टीन के आगे एक जीरो ये क्या लिखा है हंड्रेड मींस फाइव और हंड्रेड है तो टू जीरो ये क्या लिखा फोर्टी वंस तो सिंपल फोर्टी बिकॉज वंस है नाउ अब इसमें से लार्जेस्ट क्या है चेक करो इसकी प्लेस पे वन है यहाँ वन है यहाँ फाइव है ये तो बाहरी है क्योंकि इसके हंड्रेड वाली डिजिट ही नहीं है वन वन और फाइव तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा फाइव वाला तो कौन सा बियर हो गया आर सी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑन द गिवन सेट ऑफ डॉल्स अब हमें क्या करना है इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ठीक है पी की वैल्यू क्यू की वैल्यू आर की वैल्यू अब यहाँ पे देखो सबकी फर्स्ट डिजिट तो क्या है हमारे पास नंबर क्या मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख लेती हूँ हमारे पास क्या है फाइव थ्री वन ठीक है फिर क्या है फाइव जीरो एट फिर क्या है फाइव नाइन नाइन और यहां क्या है फाइव वन सिक्स ठीक है अब देखो ये है P के लिए ये है Q के लिए ये है R के लिए और ये है S के लिए ठीक सबसे है सबके पास है ठीक है अब सेकंड पोजीशन पे चेक करना है यहां थ्री है यहां जीरो है यहां नाइन है वन इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढना है तो जीरो वाला नंबर सबसे छोटा होगा मीन्स क्यू ठीक है अब ये लाइन से बाहर हो गया अब जीरो से बड़ा क्या होगा वन तो हमारा ऐसा आएगा ठीक है ये भी लाइन से बाहर हो गया अब नाइन और थ्री बचे तो थ्री सब थ्री नाइन से छोटा है तो ऑब्वियसली थ्री आएगा मीन पी और लास्ट में आर आएगा नाउ अब आप ऑप्शन देखते हैं क्यू एस पी आर तो ए इज द राइट ऑप्शन क्यू एस पी आर इसमें क्या लिखा है इन 952 द डिजिट फाइव इज एट प्लेस किस प्लेस पर है तो आप सिंपल करो नंबर 952 ये वंस प्लेस है ये टेंस प्लेस है और ये हमारा क्या है हंड्रेड प्लेस तो फाइव के लिए बताना है तो फाइव किस पे हो गया टी मींस पर तो ए इज द राइट ऑप्शन नाउ अब यहाँ बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हमें बताना है इसमें से कौन सा ऐसा सेट है जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जिसमें सारे नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वन बाई वन चेक करते हैं तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला चेक करते हैं इसमें देखो फर्स्ट डिजिट सबकी फाइव है करेक्ट है फिर यहाँ सेवन है यहाँ सेवन है यहाँ नाइन है तो ये गलत हो गया सबसे पहले नाइन होना चाहिए था ना तो ए इज़ रॉन्ग ठीक है नाउ अब हम दूसरा चेक करते हैं इसके केस में सबसे पहले तो फाइव है करेक्ट है अगेन यहाँ सेवन यहाँ नाइन नाइन पहले होना चाहिए था तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ठीक है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है अब इनको चेक करते हैं यहाँ पर आप देखो फाइव 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 करेक्ट देन नाइन सेवन 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 तो ये सही है कि फाइव नाइन पहले आ गया ठीक है अब देखो ये फाइव नाइन सबसे पहले आएगा बाकी तीनों ठीक है अब फाइव नाइन की हमें लास्ट डिजिट नहीं चेक करनी इनकी चेक करनी है क्योंकि ये तीनों में ही फिफ्टी सेवन है ठीक है अब इसमें क्या है नाइन है एट है वन है तो ऑब्वियसली नाइन से नाइन एट से बड़ा है और एट वन से बड़ा है तो ये सही ऑर्डर में अरेंज है तो बी इज द राइट ऑप्शन ठीक है सबसे पहले हमें पहली डिजिट को चेक करना है पहली डिजिट अगर सेम होगी तो हमें सेकेंड डिजिट को चेक करना है पहले सबसे पहले वो नंबर आएगा जिसकी सेकेंड डिजिट सबसे बड़ी है मीन्स की ये अब जब सेकेंड डिजिट सबकी सेम हो मीन्स की आगे की दो डिजिट सबकी सेम हो तो हमें तीसरी डिजिट चेक करनी है तीसरे डिजिट में देखना है सबसे बड़ी किसकी है तो नाइन देन एट देन वन तो बी इज द राइट ऑप्शन अब हम करते हैं एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या रुचि प्लांटेड सम प्लांट्स इन अ गार्डन रुचि ने कुछ प्लांट्स को गार्डन में लगाया द नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड बाय हर इज मोर देन 340 उसने जो प्लांट्स गार्डन में लगाए उनकी जो काउंट थी वो 340 से ज़्यादा थी एंड लेस एंड हैज सिक्स एट टेंस प्लेस और उसकी हिंस की प्लेस पे क्या है सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाई हर अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ प्लांट प्लांटेड बाई हर अब उसके पास अब उसको बताना है कि ये जो नंबर्स गिवन है कौन सा नंबर नहीं होगा जो उसने प्लांट किया तो सबसे पहले तो वो थ्री फोर्टी के कम नहीं होना चाहिए तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं तो ये 340 से ज्यादा 340 से ज्यादा 340 से ज्यादा दिस इज लेस देन 340 तो डी इज द राइट ऑप्शन ज्योति हैज द सेट ऑफ नंबर कार्ड थ्री फाइव एट विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल थ्री डिजिट दैट कैन बी फॉर्मड बाई यूजिंग ईच कार्ड ओनली वंस इसमें बेसिकली क्या है ज्योति के पास तीन कार्ड्स हैं एक कार्ड पर थ्री लिखा है एक पर फाइव लिखा है एक पर आठ लिखा है तो आपको बताना है कि इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो क्या होगा तो चलो इसको और हर कार्ड को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है वैसे तो इन्होंने खुद ही आंसर लिख दिया बिकॉज थ्री सबसे छोटा उससे बड़ा फाइव उससे बड़ा एट यही होगा तो बी इज़ द राइट ऑप्शन प्रियंका आस्क सविता टू टेल द नंबर ऑन द गि एब ऑफ द फॉलोइंग कुरेक्ट आंसर प्रियंका ने सविता से पूछा कि ये जो है इस एबस क्या नंबर लिखा है और ये नंबर इन ऑप्शंस में से कहा है ठीक है तो सबसे पहले हमें बीट्स काउंट्स करनी है हंड्रेड की प्लेस पे टू है तो टू आएगा टेन्स की प्लेस पे वन टू थ्री फोर है तो फोर आएगा वंस की प्लेस पर कोई भी नहीं है तो जीरो आएगा तो नाव चेक करते हैं इज दिस ऑप्शन अवेलेबल ठीक है

कैंडी सबके पास कितनी कितनी है इसके पास है ट्वेंटी फाइव टेंस मीन्स की टू फाइव और उसके आगे एक ज़ीरो यहाँ क्या है फाइव टेंस टू वंस मीन्स की ये हो गई फिफ्टी टू फाइव टेंस अनुराग की टू टेंस फाइव वंस टेंस की प्लेस पे टू और वंस की प्लेस पे फाइव यहाँ पे शिवम के पास क्या हो गई फिफ्टी टू अब सपना हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ कैंडीज सपना के पास तो सबसे ज़्यादा है तो ये तो गलत हो गया हमें करेक्ट ढूंढना है ना अनुराग हैग मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज अनुराग के पास तो ओनली ट्वेंटी फाइव है सबसे कम है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग नाउ शिवम हैज़ ट्वेंटी फाइव कैंडीज शिवम शिवम के पास तो फिफ्टी टू है तो ये भी गलत हो गया जो लास्ट ऑप्शन है वही सही होगा प्रिया एंड शिवम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ कैंडीज़ हाँ प्रिया के पास भी फिफ्टी टू शिवम के पास भी 52 दोनों के पास इक्वल है मींस right जो ये पैरट्स हैं इनके नीचे नंबर लिखे हैं और ये नंबर्स वो हैं जो इन्होंने चिलीज खाई हैं वॉट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द चिलीज इटन ठीक है तो हमें बताना है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या है तो सबसे पहले देखो ये तो हमारा लाइन से ही बार है, because ही है। डिजिट्स अब इस four option में से हंड्रेड प्लेस पे जिसका नंबर सबसे बड़ा होगा वही हमारा होगा तो नाउ यहाँ देखो टू है यहाँ टू यहाँ थ्री यहाँ टू यहाँ ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट नंबर ठीक है तो अब ये क्या हो गया नंबर हमारा क्या हो गया नंबर क्या है थ्री नाइनटी सिक्स ठीक है थ्री हंड्रेड बिकॉज हंड्रेड के प्लेस पे क्या है थ्री तो 396 सी इज द राइट ऑप्शन हम अचीवर सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हमें बतानी है गलत स्टेटमेंट अब यहाँ क्या लिखा है देयर आर थ्री वंस तो क्या है फोर टू थ्री वंस टेंस और हंड्रेड थ्री वंस करेक्ट है ये तो करेक्ट है हमें तो गलत वाला ढूंढना था नाइन हंड्रेड इज सेम एज तो लिख के देख लेते हैं को हम क्या लिखेंगे? लिखेंगे और और उसके आगे एक और जीरो बढ़ा देंगे। तो yes, तो ये भी नहीं है गलत। चलो इसका लार्जेस्ट डिजिट नंबर सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर फिर उससे छोटा नंबर फिर उससे छोटा नंबर हमारा तो क्या नाइन सिक्स फाइव इन्होंने क्या लिखा है नाइन फाइव सिक्स मीन्स यही हमारा गलत आंसर है तो सी इज द राइट ऑप्शन हमें गलत वाला ढूंढना था ठीक है फिल इन द ब्लैंक्स वन लेस देन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज अब सबसे पहले तो हमें पता होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर होता है हमारा वन हंड्रेड अब इससे वन कम मीनस माइनस वन किया हंड्रेड से पहले क्या आता है नाइनटी नाइन तो पी की वैल्यू क्या हो गई नाइनटी नाइन ठीक है अब नाइन्टी नाइन हो गई देखो अब यहीं से आंसर मिल जा रहा है वैसे तो आप देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पी की वैल्यू नाइन्टी नाइन है तो डी इज़ द राइट ऑप्शन मगर हम सारे करेंगे थर्टी फाइव टेंस इज़ इक्वल टू क्यू थर्टी फाइव टेंस मीन्स थ्री फाइव और उसके आगे एक जीरो टेंस है क्योंकि ये देखो थ्री फिफ्टी लास्ट है वन हंड्रेड एंड एटी एट इज वन हंड्रेड की प्लेस पे एट्टी एट तो ये हो गया ठीक है तो डी इज़ द राइट ऑप्शन किसमें in किस लिखना है बढ़ते हुए क्रम में तो पहले तो हमें होगा तो हो इसके केस में क्या हो जाएगा? 157. 157. आर के लिए क्या है एट हंड्रेड एंड टेन तो एट हंड्रेड एंड टेन अब एस के लिए क्या लिखा है थ्री हंड्रेड एंड सेवन थ्री हंड्रेड सेवेंटी फाइव ठीक है अब इन्होंने इंक्रीजिंग बोला है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा सबसे छोटा अब सबके हंड्रेड वाले नंबर डिजिट चेक करो यहाँ सिक्स है यहाँ एट है यहाँ वन है तो थ्री है तो सबसे छोटा क्या होगा ऑब्वियसली वन फाइव सेवन वन फाइव सेवन और ये क्या है क्यू ठीक है नेक्स्ट वन से छोटा क्या होगा ये हमारा यूज हो गया नहीं वन से बड़ा क्या होगा अब हमारे पास है सिक्स एट थ्री तो ऑब्वियसली थ्री इनसे सबसे छोटा है तो थ्री सेवन फाइव और ये क्या है एस है ना ये एस है ठीक है नाउ ये भी यूज हो गया अब सिक्स और एट में से सबसे छोटा क्या है सिक्स तो यहाँ आएगा सिक्स ज़ीरो एट ये ऑप्शन क्या हो गया सिक्स जीरो एट किसका है पी के लिए है ठीक ना है नाउ लास्ट बचता है एट हंड्रेड टेन वो क्या है आर है एट हंड्रेड टेन ये हो गए हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अब सीक्वेंस क्या बना सबसे पहले आएगा क्यू देन आएगा एस देन आएगा पी देन आएगा आर ठीक है नाउ हम मैच करते हैं ठीक है Q इसके पास भी इसके पास भी है इसके पास भी है ये खत्म, S S इसके पास नहीं है तो ये दो बच्चे यहाँ पर R है यहाँ पे P है तो B इज़ द राइट ऑप्शन एंड हु आई एम ये कैट पूछ है कि मैं कौन हूँ इसने हिंट क्या लिखी है द डिजिट एट हंड्रेड प्लेस इज द लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर ठीक है तो हम लिख लेते हैं हंड्रेड टेंस वेड प्लेस पे जो डिजिट है वो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर है तो लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है नाइन ठीक है तो ये ऑप्शन खत्म ये ऑप्शन खत्म क्योंकि यहां एट है यहाँ एट है द प्लेस वैल्यू ऑफ वन इन द नंबर इज वन वन की प्लेस वैल्यू वन है तो यहां आएगा वंस की प्लेस पे तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो थ्री है तो दिस इज रॉन्ग

तो अब हमें इसमें से ढूंढना है जो गलत है ठीक है तो देखो सबसे पहला क्या लिखा है टेन टेंस टेन टेंस है मीन्स कि टेन के बाद एक जीरो बढ़ जाएगा यहाँ वन टेंस यहाँ क्या होगा वन के बाद जीरो तो आपको यहीं पे दिख रहा है ये हंड्रेड है ये टेन है तो यही हमारा इनकरेक्ट बैलेंस है दोनों ही हंड्रेड होना चाहिए था तो ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस स्टिल हम बाकी के भी चेक कर लेते हैं यहाँ फाइव हंड्रेड वंस है मीन्स फाइव हंड्रेड हो गया यहाँ फिफ्टी टेंस है मीन्स फिफ्टी के बाद एक जीरो तो देखो दिस इज बैलेंस ये दोनों ही इक्वल हैं ये अनइक्वल था यहाँ पे देखो ट्वेंटी टेंस मीन्स ट्वेंटी के आगे एक जीरो इधर टू टू हंड्रेड ही है देखो ये भी इक्वल है यहाँ फोर हंड्रेड वंस है फोर हंड्रेड इज इक्वल टू फोर हंड्रेड ठीक है तो कौन सा गलत है ए वाला तो ए इज द राइट ऑप्शन थैंक यू सो मच प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू